मॉनसून का एक और धुआंधार स्पेल, लाहौर में बारिश का 30 साल रिकॉर्ड टूट गया। चंद घंटे में 315 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश जल थल एक हो गया। नशीबी इलाके डूब गए, सड़कें तालाब और गलियां नाले बन गए, गाड़ियां और मोटरसाइकिल सवार पानी में फंस गए। शहर में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। ताजपुरा में सबसे ज्यादा 315 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लक्ष्मी चौक 170, निश्चतौर 162, गुजने रावी में 151 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। वासा के निकासी आप के दावे धरे रह गए। बरकत मार्केट के गिरदो नवाब में बारिश का पानी जमा। मेन चबुर्जी रोड भी तालाब बना रहा। ताजपुरा स्कीम, ख्वाजा अहमद हसन रोड, हरबंसपुरा रोड डूब गया। डेविस रोड, मेन चबुर्जी रोड, ताजपुरा स्कीम पानी पानी। लॉर्क्स कॉलोनी, मेन घोड़े शाह रोड, फतेहगढ़, शाहजमाल और इलामा इकबाल रोड नदी नाला बना रहा। लारी अड्डा बस स्टॉप पानी पानी हो गया। हरबंसपुरा वालों के लिए बारिश जहमत बन गई। मुर्गजार वाले भी परेशान। हाई कोर्ट के बाहर जीपीओ चौक भी तालाब बन गया। निश्चर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी पानी पानी हो गया। कजाफी नेशनल हॉकी और पंजाब स्टेडियम के अतराफ भी बारिश। लॉरेंस रोड, एम्प्रेस रोड और पीको रोड से मुल्हिका सड़कें भी डूब गए। दरबार रोड, भाटी चौक की सड़कें भी गुम हो गई। तहपिंड की मरकजी शाहरा भी पानी में डूब गई। रहमानपुरा की गलियों में बारिश का पानी जमा रहा। शहर से निकासी आपका मिशन। वज़ीरे बलदियात ज़ीशान रफ़ीक का शहर का दौरा। लक्ष्मी चौक, आबिद मार्केट में निकासी आपका जायजा लिया। कमिश्नर लाहौर सैद बिन मकसूद, एमडी वासा गुफरान अहमद के भी हमराह थे। केनाल अंडर पासिस, फिरोजपुर रोड, आलिबाती, लक्ष्मी चौक का दौरा। गालिब मार्केट, जेल रोड, शमा और करतबा चौक में निकासी आपका जायजा लिया। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद ने भी निकासी आपके इंतजाम देखे। बूंदें बरसने के बाद लेस्को के 355 से ज्यादा फीडर ट्रिप कर गए। शहर के बेशतर इलाकों में घंटों बिजली बंद रही। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लेस्को शाहिद हैदर का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। बिजली की बिला तातुल फ्राहमी यकीनी बनाने की हदायत। नवाब चावल में घर की छत गिरने से 2 साल बच्चा चांभाग। रेस्क्यू ने रेहान को अस्पताल मुंतकिल किया मगर जाबर न हो सका। मड़िया स्टॉप के करीब दरख्त गिर गया। इंतजामिया ने दरख्त को हटाकर ट्रैफिक बहाल करा दी। इंसदादे पोलियो मुहिम में नाकिस कारकर्दगी का इंकशाफ। क्वालिटी चेक के दौरान 4 सैंपल गैर तसली बख्श करार। नाकिस कारकर्दगी से मोहलिक वायरस के खात्मे का ख्वाब चकनाचूर। माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की मौजूदगी से बच्चों की सेहत को संगीन खतरा। टैक्सों की भरमार, दालों के दाम भी चढ़ गए। दालों की कीमत में 100 रुपए किलो तक का इजाफा। दाल चना की सरकारी कीमत 280 रुपए किलो मुकर्रर। काले चने 100 रुपए इजाफे के बाद 305 रुपए किलो हो गए। बेसन की कीमत में 90 रुपए इजाफा। 1 किलो बेसन 210 से बढ़कर 300 रुपए किलो पर जा पहुंचा। जिले इंतजामिया ने नया महंगाई नामा जारी कर दिया। सोने की कीमत में 1800 रुपए का बड़ा इजाफा। सोना मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। 1 तोला खालिस सोने की कीमत 2,50,000 रुपए हो गई। 22 कैरात का फी तोला सोना 2,29,167 रुपए का हो गया। हुकूमत पंजाब ने लाहौर पैकेज का PC1 तैयार कर लिया। शहर की सड़कें, नालियां, गलियां, सेवरेड स्ट्रीट लाइट्स अपग्रेड होंगी। पहले मरहले में लाहौर में तरक्याती स्कीमों पर 78 अरब खर्च होंगे। नबील अवान की जेर सदारत PND बोर्ड का इजलास। महकमा आबपाशी और रोड सेक्टर की 23 स्कीमों के लिए 45.55 करोड़ मंजूर। पंजाब हुकूमत का वजीर आला डायरेक्टोरेट बनाने का फैसला। वैल्यूएशन फीडबैक कंप्लेंट सेल के तौर पर काम करेगा। इम्तिहानी निज़ाम में बेहतरी के लिए 7 रुकनी टास्क फोर्स कायम। माहिर तालीम मुजम्मिल महमूद टास्क फोर्स के चेयरमैन मुकर्रर। स्पेशल सेक्रेटरी स्कूल और हायर एजुकेशन भी टास्क फोर्स का हिस्सा होंगे। टास्क फोर्स पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन और तालीमी बोर्ड के निज़ाम का जायजा लेगा। सरकारी स्कूलों से 207 नॉन टीचिंग स्टाफ की गैर हाजिरी का नोटिस। CEO एजुकेशन परवेज अख्तर ने 2 रोज में तहरीरी जवाब मांग लिया। पंजाब में नई हायर एजुकेशन मैनेजमेंट कंपनी बनाने की सिफारिशात। हायर एजुकेशन मैनेजमेंट कंपनी HR का काम भी करेगी। यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जिम्मेदारी कंपनी की होगी।
BDS प्रोग्राम का दुरानिया 5 साल करने का फैसला। नया मॉड्यूलर इंटीग्रेटेड निसाब सेशन 2024-25 से नाफिजुलअमल होगा। मंजूरी UHS के बोर्ड ऑफ स्टडीज डेंटेस्ट्री के इजलास में दी गई। वाइस चांसलर प्रोफेसर एसएन वहीद राठौर ने सदारत। जेलों में रिफॉर्म्स के लिए 7 रुकनी टास्क फोर्स कायम। वज़ीरे आला मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। सरबरा MPA मनान खान होंगे। मेंबरान में स्पेशल सेक्रेटरी दाखिला IG जेल खाना जात शामिल। टास्क फोर्स का सरबरा महकमा जेल के इंतजामी उमूर देखेगा। पंजाब हुकूमत आहाल नए सूबाई मुख्तसिब का फैसला ना कर सकी। महकमा सर्विसेज का मुख्तलिफ नामों पर गौर शुरू। यूसुफ नसीम खोकर, कैप्टन रिटायर्ड जाहिद सईद और कासिम अली मलिक के नामों पर गौर। जोहर टाउन में SDO लेस्को के घर पर मुबैना फायरिंग। मुलजमान ने आदिल रफीक के घर पर गोलियां बरसाई। फायरिंग की CCTV फुटेज सिटी 42 ने हासिल कर ली। हारिस हामिद, मलिक आजम, तारिक शौकत शहबाज नामजद। पुलिस ने अभी तक एक भी मुलजम गिरफ्तार नहीं किया। महबूस की बाजियाबी और थानों के रिकॉर्ड से मुतालिक केस। MD सेफ सिटी अथॉरिटी DIG SN यूनिस और चेयरमैन PITB अदालत पेश। जस्टिस अलीजा बाचो का चेयरमैन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार। 15 जुलाई को बयान हल्फी के साथ जवाब जमा करवाने की हिदायत। मुनशियात के मुलजम की दरख्वास्त जमानत का केस। जस्टिस अलीजा बाजवा ने कहा कि मुकदमे में 2 जमीनों पर एक ही तफ्तीशी के दस्तखत है। एक जिमनी में चर्स, दूसरी में बदलकर आइस लिख दिया गया। SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर आनोश ने कहा कि मामले की इंक्वायरी कर लेती हूँ। समाअत 15 जुलाई तक के लिए मुल्तवी। बागबानपुरा में शहरी को कातिल करके लाश चलाने का केस। एडिशनल सेशन जज एजाज अहमद बोसाल ने मुलजिम इब्रार को बरी कर दिया। मकतूल के बेटे ने मुलजिम के खिलाफ 2021 में मुकदमा दर्ज कराया था। अदालत में इस्तगासा मुलजिम पर जुर्म साबित करने में नाकाम रहा। सुप्रीम कोर्ट का PTI को मखसूस नशिस्तें देने का हुक्म। सुने तहत को पंजाब में 27 नशिस्तें मिलेंगी। खातीन की 24 और अकलियतों की 3 नशिस्तें शामिल। पंजाब असम्बली में सुने तहत की 105 नशिस्तें बढ़कर 132 हो जाएंगी। नून लीग के अरकान की तादाद 205, पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 14 है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद PTI कारकुनों का प्रेस क्लब के बाहर जश्न। अफजाल पाहट, फारूक जावेद, मून शबीर गुज्जर शामिल, मिठाइयां बांटी। वज़ीरे आला से पिंक रिबन पाकिस्तान के CEO डॉक्टर उमर आफ्ताब की मुलाकात। पाकिस्तान का पहला कैंसर रजिस्ट्री डेटा बैंक कायम करने पर इत्तेफाक। ब्रेस्ट कैंसर की तशखीस के लिए लेडी हेल्थ वर्कर्स की ट्रेनिंग का फैसला। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल में ब्रेस्ट कैंसर ब्लॉक बनाने की तजवीज का भी जायजा। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की दरबार बीबी पाक दामन पर हाजिरी। मुल्क में अमन सलामती के लिए खसूसी दुआ की। गवर्नर के बैरिस्टर आमिर हसन की रिहाइश गाह भी आमद। मजलिस तदब्बुर व तफक्कुर मारफत रहमतुल आलमीन और दरस कुरान में शिरकत। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट आलिया नीलम से वकला की मुलाकातें। सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद चौकत के अहदेदारों के हमराह चीफ जस्टिस से मुलाकात। सदर लाहौर बार मुनीर भट्टी भी चीफ जस्टिस से मिले। सदर लाहौर टैक्स बार समेत दीगर अहदेदारान की भी मुलाकात। तारिक महमूद सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तैनात। काशिफ महमूद एडिशनल रजिस्ट्रार। मोहम्मद इकराम प्राइवेट सेक्रेटरी 1 तैनात। अहमद सोहेब खान प्राइवेट सेक्रेटरी। नासिर महमूद को पर्सनल असिस्टेंट लगा दिया गया। जस्टिस रिटायर्ड सरदार अहमद नईम DG पंजाब जुडिशियल अकेडमी तैनात। लेस्को के मुतवद्दद अफसरान के तकर्र तबादले। राय मसूद खल को डायरेक्टर कमर्शियल के ओहदे से हटा दिया गया। राय मसूद मैनेजर क्रेडिट मैनेजमेंट यूनिट ताजुनात। XCN ड्राइव एंड डिवीजन सना मोहम्मद गुज्जर को OST बना दिया गया। मोहम्मद अली रजा XCN ड्राइव एंड डिवीजन ताजुनात। CDA और पंजाब लैंड रिकॉर्ड्स अथॉरिटी के दरमियान मुआहदा। पहले मरहले में कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी प्रॉपर्टीज की 20,000 फाइल्स को डिजिटलाइज किया जाएगा। पल्ड्रा ने प्रॉपर्टी की ट्रांसफर और मवासात की कंप्यूटराइजेशन का अमल शुरू कर दिया।
चीनी काउंसलर जनरल जाओ शेरिंग का सुंदस फाउंडेशन का दौरा, थैलीसीमिया के मरीज बच्चों की देखभाल पर तबादला ख्याल। चीनी काउंसलर जनरल ने डायरेक्टर फाउंडेशन खालिद अब्बासदार को 23,30,000 का चेक पेश किया। मजलिस उलमा पाकिस्तान की बादशाही मस्जिद में इत्तेहाद उम्मत कॉन्फ्रेंस, सदारत मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने की, सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी, सीसीपीओ लाहौर बिलाल सिद्दीक कमयाना और डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान समेत उलमाए कराम की शिरकत। सूबाई वजीर फैसल अयूब खोखर का ठोकर नियाज बेग इमाम बारगाह का दौरा, मजलिस के सिक्योरिटी का जायजा लिया, जुलूस के रूट पर इंतजाम देखे। एम पी ए मलिक शहबाज खोखर, शफी खोखर भी हमराह थे। एस पी इकबाल टोन ने इंतजाम का बताया। अल्लामा अली अकबर काजमी कहते हैं कि करबला हमें मिली वहदत का दर्स देता है, भाईचारे और इत्तेहाद को फरोग देना होगा। मुस्तफा पार्क शालीमार लिंक रोड का तामीराती काम, आई पी पी रहनुमा शुएब सिद्दीकी ने सौवाड़ी में तामीराती काम का इफ्तिताह किया। मलिक सईद, राना मुख्तार, मलिक मंसूर भी हमराह थे। यूसी 153 के LWMC वर्कर्स को खसूसी शील्ड्स भी दी गई। एम पी ए मियाँ मरगूब अहमद ने कारकुनान के मसाइल सुने। पी पी 172 में हाजी इसाक, शेख जाहिद, नदीम शाह, मलिक एजाज, मोहम्मद कमर से मुलाकात। LWMC, सिटी गवर्नमेंट और वासा हुकाम भी शरीक थे। शहरियों को खदमात की फराहमी में नुमाया किरदार, पुलिस अफसरानों एहलकारों को तारीफी असनाद और कैश इनामात से नवाजा गया। SSP डिसिप्लिन राणा ताहिर रहमान ने 44 अफसरानों एहलकारों को तारीफी असनाद दी। ECB की वेबसाइट पर सिलेक्शन कमेटी अपडेट, सिलेक्शन कमेटी में 4 वोटिंग और 5 नॉन वोटिंग मेंबर्स शामिल। मोहम्मद यूसफ, हसन शफीक, अजहर महमूद, बिलाल अफजल का नाम आ गया। ECB ने डोमेस्टिक क्रिकेट कोचेज के लिए भी इश्तिहार जारी कर दिया। कोच के लिए साबिक टेस्ट या इंटरनेशनल क्रिकेटर का तजुर्बा लाजम है। नेशनल वुमेन फुटबॉल क्लब चैंपियनशिप के शेड्यूल का ऐलान, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और कोयटा में मैच खेले जाएंगे। पहले मरहले के मैचेस का आगाज 21 जुलाई से 26 जुलाई तक होगा। चैंपियनशिप का फाइनल 10 अगस्त को इस्लामाबाद में होगा।